हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8, पवन तूफान और चक्रवात। इस अध्याय को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि इस अध्याय के अंत में आप निम्न सीखने में सक्षम होंगे। उद्देश्य नंबर 1, वायु दाब कैसे डालती है। नंबर 2, वायु दाब पर पवन के वेग का क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, वायु का प्रसार कैसे होता है। और नंबर 4, चक्रवात क्या होते हैं तथा कैसे बनते हैं। नंबर 5, तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। और नंबर 6, चक्रवात के समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हम ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में जानेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए गतिशील वायु पवन कहलाती है। आइए क्रियाकलाप से समझते हैं कि वायु दाब कैसे डालती है। इसके लिए हम एक खाली बोतल लेते हैं, इस तरह की एक बोतल ले सकते हैं, और एक मग में हम गर्म पानी लेते हैं तथा एक मग में हम ठंडा पानी लेते हैं। अब बोतल में हम गर्म जल डालते हैं। जल डालते समय आपको सावधानी रखनी है, आप अपने माता पिता की उपस्थिति में ही जल को डालें। अब इसके ढक्कन को कसकर बंद कर देते हैं और इस पर ठंडा जल डालते हैं। हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे इस पर ठंडा जल डालते हैं, बोतल विकृत होना शुरू हो जाती है। इसका कारण यह है कि जैसे ही हम ठंडा जल डालते हैं, अंदर की भाप संघनित हो जाती है, जिसके कारण अंदर का वायु दाब कम हो जाता है तथा बाहर का वायु दाब ज़्यादा हो जाता है और बोतल विकृत हो जाती है। तो यह क्रियाकलाप पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। अब आप अपने कुछ दैनिक अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए जो आपको आभास दिलाते हैं कि वायु दाब डालती है। जैसे जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती हुई वायु पतंग उड़ाने में सहायक होती है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो वायु के विपरीत साइकिल चलाने में क्या आपको कठिनाई का अनुभव होता है। वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे क्यों लहराते हैं। अब तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जान गए होंगे। क्या पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब घट जाता है? आइए इसके लिए एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। कागज का एक टुकड़ा लें, इसे मरोड़कर एक छोटी गेंद बनाएं। इस गेंद को बोतल के मुख पर रखते हैं। गेंद का साइज बोतल के मुख से छोटा होना चाहिए। अब इस पर जोर से फूंक मारते हैं। हम क्या देखते हैं, हम फूंक द्वारा गेंद को बोतल के अंदर नहीं धकेल पाते हैं। इसका कारण यह है कि जब हम जोर से फूंक मारते हैं तो पवन का वेग बढ़ जाता है, पवन के वेग की गति उच्च हो जाती है, जिसके कारण हमारे मुख तथा बोतल के मुख के आसपास वायु दाब कम हो जाता है तथा बोतल के अंदर वायु दाब अधिक हो जाता है, जिसके कारण गेंद अंदर नहीं जा पाती है। यह क्रियाकलाप पुष्टि करता है कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब कम हो जाता है। आइए एक क्रियाकलाप और करके देखते हैं और देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब घट जाता है। इसके लिए हम दो बैलून लेते हैं और एक स्टिक लेते हैं और धागे की आवश्यकता होगी। बैलून में थोड़ा सा जल डाल लेते हैं और इनको हवा भर के इस तरह से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बांध लेते हैं, धागे की सहायता से इनको बांध लेते हैं। अब हम इन दोनों बैलून के बीच में फूंक मारते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं इन दोनों बैलून के बीच में फूंक मारता हूं, पवन का वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण वायु का दाब इन दोनों बैलून के बीच में कम हो जाता है और बाहर की तरफ वायु का दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण दोनों बैलून पास आ जाते हैं।
यह क्रियाकलाप पुष्टि करते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब घट जाता है। इस क्रियाकलाप को आप घर पे भी करके देख सकते हैं। आइए एक क्रियाकलाप और करके देखते हैं और देखते हैं पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब घट जाता है। इसके लिए हम एक 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर लंबे कागज की पट्टी काटते हैं। इसको अपनी तर्जनी और अंगूठे के बीच में इस तरह रखते हैं कि इसका ज्यादातर हिस्सा नीचे की तरफ लटका है। अब हम इसके ऊपर के हिस्से में फूंक मारते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। हम क्या देखते हैं, जब फूंक ऊपर मारते हैं तो ऊपर वायु का वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण वायु का दाब कम हो जाता है और नीचे वायु का दाब बढ़ जाता है और पट्टी ऊपर की तरफ उठ जाती है। आइए एक बार और देखते हैं इसको। तो इस तरह हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब वास्तव में घट जाता है। हमने देखा कि पवन का वेग बढ़ने से वास्तव में वायु का दाब घट जाता है। आइए अब हम यह समझते हैं कि पवन कैसे बनती है, यह वर्षा कैसे लाती है और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है। हम जानते हैं कि पवन अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायुदाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायुदाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है, आइए इसके लिए एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक खाली बोतल लेते हैं, इसमें ठंडा जल डालते हैं। अब इस बोतल के मुख पर एक बैलून को कसकर लगा देते हैं। कुछ समय प्रतीक्षा के बाद हम क्या देखते हैं कि बैलून अंदर की तरफ पिचक जाता है। बैलून ठंडे जल में अंदर की तरफ क्यों पिचकता है, आइए अब यही क्रियाकलाप गर्म जल के ऊपर करके देखते हैं। एक बोतल लेते हैं, इसमें गर्म जल डालते हैं। जल डालते समय आपको सावधानी रखनी है क्योंकि गर्म जल हाथों को जला सकता है। इसके ऊपर उसी तरह एक बैलून को कसकर लगा दीजिए और कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। आप क्या देखते हैं, धीरे धीरे बैलून ऊपर की तरफ फूलना शुरू हो जाता है। यह क्रियाकलाप पुष्टि करता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है अथवा उसका वायु का प्रसार होता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है तथा वह पहले से अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है, इसलिए धुआं ऊपर की ओर उठता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं? पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। आइए कुछ स्थितियों को देखते हैं जिसके कारण वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। नंबर एक, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। नंबर दो, थल और जल का असमान रूप से गर्म होना, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं, थल समीर व समुद्र समीर। समुद्र की तरफ से आती गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जलचक्र का एक चरण है। वर्षा हमें आनंद का अनुभव कराती है, लेकिन वर्षा हमारे लिए अनेक प्रकार के संकट भी उत्पन्न कर देती है, जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं जो मनुष्य जीव जंतुओं तथा पादपों के लिए अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न कर देती हैं। आइए ऐसी दो आपदाओं तड़ीझंझा तथा चक्रवात के बारे में अध्ययन करते हैं। यह पर्वाचित्र आपको उस परिघटना को समझने में सहायक होगा जिसके कारण बादलों का निर्माण और वर्षा होती है तथा तूफान और चक्रवात बनते हैं।
दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर, वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बनता है। ठंडी वायु न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रभावित हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है और उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाती है। बादल में बड़ी जल बूंदें भूमि पर वर्षा, ओले या हिमपात के रूप में गिरती हैं। वायुमंडल के ऊंचे सतरों पर पानी को नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती हैं, जिससे तड़ीझंझावत का निर्माण होता है। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावत चक्रवात का रूप धारण कर सकती है। तड़ित झंझा और चक्रवात। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कोंदती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। आइए अब ये देखते हैं तड़ित झंझावत में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। कहने का मतलब ये है, यदि हमारे आसपास कार अथवा बस है तो हमें उसमें आश्रय ले लेना चाहिए। नंबर दो, किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय न लें जो अलग थलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी ऐसे छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें। और नंबर तीन, यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। आइए अब यह देखते हैं तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाते हैं। गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं। फिलीपींस और जापान में यह टाइफून कहलाता है। आइए चक्रवातों द्वारा होने वाले विनाश को देखते हैं कि यह किस प्रकार विनाश लाते हैं। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उस सतह तक उठ जाता है। उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रखी जाने वाली सावधानियां। गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को न छुएं। नंबर दो, बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। और नंबर तीन, अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। नंबर चार, जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए। नंबर पाँच, हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर एक, गतिशील वायु क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर दो, उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से क्या बन सकते हैं? प्रश्न नंबर तीन, धुआं ऊपर की ओर ही क्यों उठता है? और प्रश्न नंबर चार, पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है?